ब्यूटीफुल डार्लिंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ब्यूटीफुल विद इन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरे कोजी केयर वाले साबुन का जो रिव्यू वीडियो था उसे इतना प्यार देने के लिए इतने सारे व्यूज आए हैं। एंड यू नो, यू पीपल हैव लव दैट सोप का रिव्यू। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डेफिनेटली देख लेना। मुझे काफी व्यूज मिले हैं उस वीडियो पे और मुझे इतना अच्छा लगा कि आपको उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी लगी है। सो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि मैम प्लीज, आप कोजी केयर का सोप का तो रिव्यू कर लिया है, आप कोजी केयर क्रीम के बारे में भी हमें बता दीजिए। सो आई वेंट एंड आई परचेज दिस कोजी केयर क्रीम जस्ट फॉर यू पीपल, सो दैट यू नो मैं इसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इट इज अ स्किन व्हाइटनिंग थिंग। यू नो, मैंने दो तीन वीडियोज किए हैं ऑन स्किन लाइटनिंग। मैंने ग्लूटाथियोन साबुन जो हेल्थविट का है उस पर भी रिव्यू किया है, एंड देन पीपल सेट की कोजी केयर करके भी साबुन आता है उस पर आप रिव्यू करें, तो मैं वो भी आप लोगों के लिए लेकर आई और उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार मिला है। एंड हाँ, और एक बात, जब मैं उस सोप के बारे में बात कर ही रही हूं तो मैं आपको बता दूं, दिस इज द सोप विच आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड उस वीडियो के नीचे लोगों ने यह भी कहा है कि मैम आपने जो साबुन बताया है उस वीडियो में वो ऑफ व्हाइट कलर का है, बट लाइक हमने जब इसे खरीदा तो ब्राउन कलर में मिला था। सो आई वॉज रियली रियली वरिड एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि क्या ऐसा हो रहा है। तो आई ऑल्सो परचेस्ड अनदर वन जस्ट फॉर यू पीपल। सो मैं अपने रिव्यूज के साथ ऑनेस्टली आती हूँ और मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताती हूँ, तो सारे सब्सक्राइबर्स का जो डाउट है, अगर वो डाउट बहुत सारे लोगों को है, तो मैं आपको ये वीडियो में क्लियर कर रही हूँ कि देखो मैंने भी इसे वापस परचेज किया एंड व्हेन आई ओपन द पैक आई ऑल्सो फाउंड इट हैविंग अ ब्राउन कलर। ठीक है, ये देखिए आप, ये भी ब्राउन कलर में है। सो डोंट वरी, मुझे भी ब्राउन कलर में आया है, लेकिन जब मैंने इसे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें वो ऑफ व्हाइट कलर का था। नाउ इट सेज दैट इट इज इम्प्रूव्ड इन फॉर्मूला, यू कैन सी दिस। सो जो पहले वीडियो बनाया था ना, दैट वॉज ऑफ व्हाइट ओनली। जब मैंने वो पैकेट ओपन किया, जैसा साबुन मुझे मिला था और उसको मैंने टेस्ट किया था एंड मैंने आपको डेमो करके दिखाया था, सब कुछ करके दिखाया था, एंड दैट वॉज ऑफ व्हाइट इन कलर, लाइक थोड़ा सा यू नो लाइट ब्राउन कलर का था, ब्राउन नहीं था लेकिन ऑफ व्हाइट में था, इन बिटवीन लाइक ब्राउन एंड ऑफ व्हाइट, समथिंग लाइक दैट शेड। बट देन एवरी वन वॉज सेड कि मैम ब्राउन कलर है, रियल में ब्राउन कलर है। आई वॉज रियली वरिड एंड दैट्स वाई आई ऑर्डर अनदर वन जस्ट फॉर यू पीपल एंड आई सॉ दैट येस इट इज इन ब्राउन कलर, सो इट्स इम्प्रूव्ड फॉर्मूला, टेंशन लेने की बात नहीं है। येस ऑब्वियसली इट इज ब्राउन इन कलर बिकॉज इट इज मेड ऑफ अनदर इन्ग्रीडियंट्स जो है उसमें कोजिक एसिड डाला गया है, साथ में इसमें है ग्लूटाथियॉन, आर्ब्यूटिन एंड वाइटामिन सी एंड ई। सो आप अगर वो रिव्यू देखें तो डेफिनेटली ये भी साबुन उसी तरह से वर्क करने वाला है, बस इसकी जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा मिलेगा क्योंकि इम्प्रूव्ड फॉर्मूला है। ठीक है, सो ये आपको एंटी एजिंग करता है, मॉइस्चराइज करता है अपनी स्किन को, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी देता है। सो अगर आपको टैनिंग की इश्यू हुई है, आपको हाइपरपिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेज है, डार्क स्पॉट्स है, उसे रिड्यूस करने का काम करता है। सो जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो फ्रेंड्स लोगों ने कहा था कि मैम कोजी केयर की क्रीम भी आती है उसका रिव्यू करें, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कोजी केयर की क्रीम के बारे में जो इस तरह से आती है। आपको मिलती है 15 ग्राम की ये ट्यूब एट प्राइस ₹170। यस, इसकी परचेस लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में ये साबुन का भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर वो भी परचेस करना चाहते हैं तो वो उस लिंक को क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। सो सिमिलर आप देख सकते हो, पैकेजिंग सेम है, एग्जैक्टली सेम, कैन यू सी दिस। सो कोजी केयर सोप की एग्जैक्ट पैकेजिंग आपको कोजी केयर क्रीम में मिल जाती है, सिमिलर पैकेजिंग, सिमिलर एवरीथिंग इज जस्ट सिमिलर। द थिंग इज दैट कि फ्रेंड्स, अगर आप साबुन इस्तेमाल करते हो, साबुन के बाद अगर आप क्रीम भी इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। सो वॉट आई हैव ऑब्जर्व, मैं आपको बताती हूँ, आप देख सकते हो मेरे स्किन पे ज्यादा डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेज नहीं है, बट येस मुझे मेरे चीक्स पे यहाँ पे दो डार्क स्पॉट्स थे एंड यू नो आई विल जस्ट इंसर्ट अ पिक के पहले कैसे थे ये स्पॉट्स, ये काफी डार्क थे, इट वॉज डार्क स्पॉट्स ऑन माई फेस। सो ये जो डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेज इसलिए हो जाते हैं कि हम हमारे घर के बाहर सनस्क्रीन अप्लाई करे बगैर चले जाते हैं, जब हम सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते तो हमारे स्किन को सन से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है एंड एज इन वेन लाइक यू नो एज जैसे पास हो जाती है हमारे स्किन पे डार्क स्पॉट्स एज स्पॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। सो उसे लाइटन करने के लिए एंड स्किन व्हाइटन करने के लिए ये क्रीम बनाई गई है। सो आप अगर सोप इस्तेमाल करते हो, सोप के साथ अगर आप ये क्रीम भी इस्तेमाल करते हो तो यू विल सी द रिजल्ट रियली रियली अमेजिंग। सो मैंने इसे किस तरह से इस्तेमाल किया फ्रेंड्स, मैंने इसे जो अपने डार्क स्पॉट्स है ना उस पर अप्लाई कर रही थी रात को सोने से पहले, सिर्फ मैंने उसको वहां पर अप्लाई किया एंड आई सॉ द रिजल्ट वॉज रियली अमेजिंग। That blemishes और जो pigmentation mark है वो काफी light हो गया है
और इसे मैं पूरा कंप्लीट करूंगी एंड बहुत ही कम ले रही हूं मैं, लेकिन आपको इसे इस्तेमाल करना है एज अ मॉइस्चराइजर, ठीक है। सो अगर आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। इट इज अ रियली रियली अमेजिंग क्रीम एंड यस, इसका जो अगर टेक्स्चर की बात करें मैं आपको जल्दी से बता दूं, छोटा सा मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाती हूँ। सो दिस इज हाउ द क्रीम कम्स लाइक, और ये अच्छे से अपने स्किन में आप एब्सॉर्ब करवा लीजिए, ठीक है, इस तरह से। इट इज नॉट वेरी ग्रीसी, ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ग्रीसी हो, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है तो आप थोड़ा सा ही क्वांटिटी लीजिए एंड यू अप्लाई दिस एंड यू कैन सी यू विल गेट अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस ऑफ वाइटामिन सी। जैसे ही साबुन में जो फ्रेग्रेंस आती है वाइटामिन सी की, वैसे ही आपको आती है इस क्रीम में भी, बिकॉज इट्स कंटेनिंग कोजिक एसिड एंड वाइटामिन सी एंड ई। नाउ वाइटामिन सी से हमको मिलता है स्किन वाइटनिंग एंड स्किन लाइटनिंग इफेक्ट, साथ में इसमें है वाइटामिन ई विच नरिशेज अवर स्किन, विच रिमूव्स द डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेज एंड सन प्रोटेक्शन भी हमको देता है। सो यहाँ पे पैकेज पे लिखा है इट्स फॉर ग्लोइंग एंड यूथफुल स्किन, इट ऑल्सो हैज सनस्क्रीन प्रोटेक्शन, इट रिमूव्स द स्पॉट्स ऑन योर स्किन, इट मॉइस्चराइजेज योर स्किन एंड इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हाइपोपिगमेंटेड स्किन। सो अगर आपको कोई भी हाइपोपिगमेंटेशन मार्क्स आ गए हैं चेहरे पे, यू नो दाग धब्बे हो गए हैं, पिंपल के मार्क्स रह गए हैं, तो आप डेफिनेटली ये क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स, ओके। सो दिस इज अ स्किन व्हाइटनिंग क्रीम कंटेनिंग कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन एंड ग्लूटाथियोन। फ्रेंड्स, ग्लूटाथियोन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अगर आप इंटरनली लेते हो तो आपके स्किन को इंटरनली आपके स्किन की मेलानिन पिगमेंट को कम करने में हेल्प करता है। सो साथ में अगर आप एक्सटर्नली भी ये अप्लाई करते हो क्रीम, तो ग्लूटाथियोन बेसिकली हमारे जो मेलानिन पिगमेंटेशन होती है, जो हमें कुदरती कलर जो मिला होता है, उसको लाइटन करने में काम करता है। बट ये क्रीम का इफेक्ट आपको मिलेगा आफ्टर लाइक 1 and 2 months ऑफ यूसेज, ओके। आप ऐसे मत सोचना कि ये साबुन पे भी बहुत लोगों ने रिव्यू के वीडियो में कहा है कि कोई काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, ऐसे भी बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं। बट दिस फ्रेंड्स, दीज आर अ प्रोडक्ट विच यू नो हैज टू बी यूज्ड, आप उसे इस्तेमाल करें 1-2 महीने के लिए। ये कोई चमत्कार प्रोडक्ट तो है नहीं कि आपने इसे लगाया और रातों रात आप गोरे हो गए, ऐसा तो नहीं है ये। इट हेल्प्स इन स्किन लाइटनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप देखेंगे मैंने भी इसे 1-2 हफ्ते इस्तेमाल किया एंड देन दिस थिंग्स गॉट लाइटन, बट ये कंप्लीटली चले नहीं गए हैं। मैं अभी भी आपको कह रही हूँ लाइटन हो रहा है, मुझे इसका इफेक्ट दिख रहा है कि इट इज लाइटनिंग माई डार्क स्पॉट्स। सो आई डेफिनेटली अप्लाई दिस होल क्रीम एंड हो सकता है कि ये कंप्लीटली चले भी जाए डार्क स्पॉट्स, ओके। सो आई टेक केयर ऑफ माई स्किन एंड दिस वॉज द होल रिव्यू अबाउट द कोजी केयर क्रीम। आई होप आपको अच्छा लगा हो, इसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लगा है। बट मैंने इसे अपने पूरे चेहरे पे इस्तेमाल नहीं किया है, बट डेफिनेटली आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो टू सी दैट स्किन व्हाइटनिंग इफेक्ट। सो यस फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना और इस वीडियो को भी कोजी केयर साबुन जितना पॉपुलर करना। इस वीडियो के नीचे भी मैं आशा करती हूँ कि इतने ही व्यूज आए जितने साबुन पे आए थे। सो यस, जितने लोगों ने मुझे कहा था उस सोप पे, बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो इसीलिए मैंने खास आप लोगों के लिए ये क्रीम मंगवाया था टू गिव यू अ प्रोडक्ट रिव्यू एंड आई एम लविंग इट। मुझे अच्छा लग रहा है इसे इस्तेमाल करना। सो थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट एंड यस, अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आपको करना होगा छोटा सा काम, ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है, आपको करना है लाइक तो मुझे अच्छा लगेगा। किसी को खुशी देना अच्छी बात होती है, तो आपको सिर्फ करना है क्लिक ऑन द लाइक बटन, साथ ही में इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल्सो जाने से पहले वो रेड बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, मेरी फैमिली में ज्वाइन होना एंड साथ ही में छोटी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरे चैनल के रिगार्डिंग। टिल देन आई सी माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बी ब्यूटीफुल, बी गॉर्जियस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।